What's up guys, I'm Akash and you're watching AKASHTALKS. The सबसे बड़ा news right now that is parent moves to Supreme Court against CBSE's decisions to holding the remaining exams. तो यार parents ने अपने बच्चे को बचाने के लिए, यार मैं literally बोल रहा हूँ, अपने बच्चे को बचाने के लिए move किया है Supreme Court तक so that CBSE can hold the remaining exams. तो ऐसा कुछ news आ रहा है from Times of India. एक घंटा पहले हम ये लेके बात करने वाले इस वीडियो के अंदर. क्या हमारे आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड का कोई पेरेंट सुप्रीम कोर्ट में जाएगा क्या, ऐसा कुछ करेगा? एंड जो डिसीशन सुप्रीम कोर्ट लेने वाले हैं फॉर सीबीएसई, विल इट बी एप्लीकेबल फॉर आईएससी, हम ये लेके भी बात करने वाले हैं. ठीक है यार, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं. तो यार ऐसा कुछ हुआ है कि यार ग्रुप ऑफ फोर पेरेंट्स ऑन मंडे मूव टू सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट सीबीएसईज डिसीशन टू होल्डिंग द रिमेनिंग एग्जाम्स. CBSE ने जो डिसीशन लिया था टू होल्ड द रिमेनिंग एग्जाम्स एंड दे विल गोइंग टू परफॉर्म दोज एग्जाम्स फ्रॉम जुलाई 1 टू जुलाई 15 लाइक आवर आईसीएसई एंड आईएससी बोर्ड. तो पेरेंट्स का यही मानना है कि अगर हमारे बच्चे जाएंगे ऑन दैट टाइम एंड इतनी भयंकर तरीके से कोविड फैला हुआ, इतनी भयंकर तरीके से कोविड अफेक्टेड है आवर इंडिया राइट नाउ, सो राइट नाउ दिस इज नॉट द परफेक्ट टाइम टू टेक एग्जामिनेशन. सो आई वुड रादर अप्रिशिएट टू दोज पेरेंट्स दोज हु हैड मूव टू सुप्रीम कोर्ट एंड फाइल अ केस अगेंस्ट सीबीएसई. तो सीबीएसई के अगेंस्ट केस फाइल किया था. इसी के साथ क्या हुआ, तो इसी के साथ उन्होंने यार ये चीज बोला है कि दैट एलन दैट स्टूडेंट इंक्लूडिंग देयर चिल्ड्रन वुड बी एक्सपोज्ड टू पेंडेमिक इफ दे कुड हैव कम फ्रॉम हाउसेस एंड अपीयर इन एग्जामिनेशंस टू कंडक्ट एट 15,000 सेंटर अक्रॉस इंडिया. मतलब अगर उनका बच्चा एंड अदर चिल्ड्रन दोज हु राइट नाउ गिविंग योर बोर्ड आईसीएससी सीबीएसई एंड आईएससी, तो सीबीएसई का क्लास 10 का यार एग्जाम खत्म कर दिया है ओके, बट 12th के एग्जाम अभी तक समाप्त नहीं किया गया. ठीक है, दे विल गोइंग टू टेक एज अकॉर्डिंग टू आवर सीबीएसई लेटेस्ट नोटिस. ठीक है, बट पेरेंट्स ये बोला है कि अगर 1500 सेंटर के अंदर अगर हमारे बच्चे जाएंगे एग्जाम देने के लिए ऑन दैट टाइम, क्या हमारे बच्चे कोविड अफेक्टेड नहीं हो सकते हैं? मतलब इट्स लिटरली अ वेरी इंटरेस्टिंग चीज एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज राइट नाउ. इसी के साथ उन्होंने यार ये चीज किया है कि द पिटीशन फाइल्ड बाय द एडवोकेट ऋषि मल्होत्रा नाम का एक एडवोकेट, ही हैव फाइल्ड अ पिटीशन अगेंस्ट सीबीएसई इन कंडक्टिंग ऑफ एग्जाम. तो इट्स अ वेरी गुड थिंग राइट नाउ. उन्होंने यार ये चीज बोला है कि द कंटेंट दैट मेनी रेप्यूटेड एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एंड यूनिवर्सिटीज इंक्लूडिंग दिल्ली यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी, दैट इज मैंने ऑलरेडी इसके पहले यार न्यूज के अंदर बात किया था, डीयू एंड आईआईटीज हैड डिसाइडेड नॉट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस एंड सीबीएसई बी आल्सो डायरेक्ट टू नॉट टू कंडक्ट एग्जामिनेशंस फॉर रिमेनिंग सब्जेक्ट्स. And I would rather say not only CBSE, I would rather say all the other boards. हमको तेलंगाना boards का news खबर में आया है, हमको यार कन्नड़ा का news का खबर में आया है. इसी के साथ we want that ICSE and ISC should cancel the remaining exams. If you want this thing, then please comment me below and share this video among with your friends. इसी के साथ उन्होंने यार और भी बहुत कुछ बोला है, that is like बहुत सारे cases को लेके बात किया है, CBSE notified to holding the remaining examinations. तो सारे कुछ है यार news, तो जो मेन न्यूज है वो हमने बोल दिया. रिगार्डिंग द कंडक्शन ऑफ एग्जामिनेशन पेरेंट हैव मूव्ड टू सुप्रीम कोर्ट टू सेव देयर चिल्ड्रेन. यार मैं और एक बार बोल रहा हूं, पेरेंट्स यार सुप्रीम कोर्ट तक गया टू सेव देयर चिल्ड्रेन. तो यार इसके ऊपर मैं और कुछ नहीं बोल पाऊंगा यार, जो भी चीज था न्यूज मैं इसका तुमको डिटेल्स में लिंक दे दूंगा. ठीक है, इसी के साथ उन्होंने यार और एक चीज बोला है कि सीबीएसई कैंसिल द एग्जामिनेशन ऑफ क्लास 10 एंड 12 फॉर 250 ऑड स्कूल which are situated abroad and has adopted the criteria of awarding marks on the basis of their practical assessment and internal jo bhi tha. theek hai, to agar udhar exam cancel kiya ja sakta hai to yaar inter ke andar bhi yaar cancel karna chahiye yaar, jo general sadharan bhasha hai ya in board ko sadharan cheez samajh mein nahi aa raha to humka kya kar sakte hai, hum iske upar file petition kiya, bahut acha kiya, supreme court tak gaya jo ki bahut ek acha cheez hai, wo monday ke andar matlab kal gaya hai. So we hope to get some good news within this week या फिर within next week. तब तक के लिए पढ़ाई करते रहना, वीडियो को शेयर करते रहना ताकि सबके ये न्यूज फैल जाए, पूरा सबके WhatsApp ग्रुप में डालना. ठीक है, तब तक के लिए चलते हैं, see ya, have a good time, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में. गुड बाय.